Now next ही program based on number system conversion. इसके इसमें जस्ट perform करेंगे how to converting decimal number into equivalent binary conversions. इसके इसमें मैं decimal number को जस्ट represent करूँगा ऐसा integer number plus जब भी इसका binary conversion पर हुआ तो binary number को store कराएंगे ऐसा string. Binary number will be stored in the form of strings. String means array of characters. इसके इसमें perform क्या कराना जस्ट decimal to binary conversion. Means we want to performing base 10 to base 2 conversion. Means binary conversion means just base 2 conversion. अगर आपके पास कोई decimal number है like 13 के respect में, just normally किसी भी decimal number को binary number में convert करने का basic formula है, basic rules कह रहे थे, इस number should be divided by, इस number को every time divide किससे करें, with required base और required radix. इस case में required base क्या है 2, तो 2 से divide करें, division कब तक perform होगा, जब तक आपको 0 ना मिल जाए. फर्स्ट टाइम जब 13 को 2 से डिवाइड करो तो इसके इसमें 2 रिजल्ट जनरेट होंगे, डिवीजन और जस्ट रिमाइंडर. तो इसके इसमें डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, जस्ट 6, रिमाइंडर क्या आएगा इसके इसमें 1. नेक्स्ट टाइम अगेन डिवाइड करेंगे 2 से, डिवीजन इज 3, रिमाइंडर इज 0. नेक्स्ट डिवीजन इज 1, रिमाइंडर इज 1. नेक्स्ट टाइम 1 को डिवाइड करो तो नेक्स्ट टाइम इस डिवाइड कब तक करना, जब तक 0 ना मिल जाए. तो 1 को डिवाइड करने पर इस केस में डिवीजन क्या आएगा 0, रिमाइंडर क्या आएगा अगेन 1. तो फाइनली इस केस में डिवीजन क्या आ रहा है, सॉरी आपको कंसोलिडेट क्या करना, ओनली रिमाइंडर पार्ट. इस रिमाइंडर्स के केस में सबसे पहले रिमाइंडर क्या मिला था, 1 then 0 then 1 then 1. लेकिन रियल केस में इसका बाइनरी नंबर क्या रहेगा, बाइनरी नंबर जस्ट बॉटम टू अप डायरेक्शन नोट डाउन करो, मींस सबसे पहले फर्स्ट 1 और वी कैन से लास्ट 1, देन प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस. मींस एक्चुअल बाइनरी नंबर क्या हुआ इस केस में, बेस 2 के केस में सबसे पहले फर्स्ट 1 को नोट डाउन करें, नेक्स्ट सेकंड 1, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 1. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 13. अगर सेम ऑपरेशंस आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू या प्रोग्राम्स के थ्रू कन्वर्जन परफॉर्म कराना है, देन किस तरह से परफॉर्म कराओगे, सबसे पहले इसके जो इनपुट्स में रिक्वायर्ड किया हुआ नंबर, दूसरा के जो भी बाइनरी नंबर आएगा, बाइनरी नंबर को, सॉरी बाइनरी नंबर किसके बेस पर है, बेस्ड ऑन मॉड्यूलो ऑपरेशंस. मॉड्यूलो, मॉड्यूलो के केस में से एवरी टाइम नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, कब तक, जब तक 0 ना मिल जाए. नंबर को 2 से कब तक डिवाइड करना, जब तक आपको रिजल्ट के फॉर्म में 0 रिसीव नहीं होता है. दूसरा केस, जो भी डिवीजन आएगा डिवीजन के केस में, सॉरी रिमाइंडर के केस में, रिमाइंडर क्या आएगा 2 से डिवाइड करने पर, आइदर 0 और 1. मींस जो भी रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर को आप जस्ट एरे के फॉर्म में और स्ट्रिंग के फॉर्म में नोट डाउन करेंगे. तो इस केस में एरे के केस में उसको नोट किस फॉर्म करें, एजा कैरेक्टर्स, मींस 1 एजा कैरेक्टर, 0 एजा कैरेक्टर, 1 एजा कैरेक्टर, अगेन 1 एजा कैरेक्टर्स. रियल में रिजल्ट किस फॉर्मेट में, डिजिट में. किसी भी डिजिट को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कराने के लिए जस्ट आप यूज क्या करोगे, डिजिट प्लस 48 इज नथिंग बट इट इज अ आस्की वैल्यू ऑफ 0. किसी भी डिजिट के साथ 0 का आस्की वैल्यू ऐड कराने पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट किस फॉर्मेट में रहेगा, ऑलवेज कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डिजिट है लाइक जस्ट 1 के केस में 1 को जब 0 से ऐड कराओ तो 0 का आस्की वैल्यू क्या, 48 प्लस 1 इज 49 और 49 क्या, 49 इज अ ASCII value of character 1. Clear like that. इस फाइनली इसको नोट डाउन करेंगे. सबसे लास्ट में क्या अपेंड होगा, null character, because strings are terminated by null. तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, मींस जो भी आपका रिमाइंडर पार्ट है, रिमाइंडर को 1 by 1 array of characters में स्टोर करेंगे. देन इसके जस्ट बाद आपको रिवाइड के, मींस ये पर्टिकुलर रिमाइंडर्स रिक्वायर्ड किस फॉर्म में, जस्ट रिवर्स ऑर्डर. देन नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म क्या कराएंगे, जस्ट रिवर्स. ये सबसे पहले 1, देन सेकंड 1, then 0, then 1, then null. This is the actual result. तो इसके इसमें जस्ट प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आप कीवर्ड से नंबर को रीड डाउन कराओगे. इस फंक्शन का टाइप क्या यूज करो, इसके इसमें रियल किस फॉर्मेट में आ रहा है, एरे के फॉर्म और स्ट्रिंग के फॉर्म में. इसलिए फंक्शन का मैं रिटर्न टाइप यूज कर रहा हूं एज अ कैर, और सिंपली डायरेक्टली कोई इनमें से न्यू फंक्शन क्रिएट न करके सिंपली मेन फंक्शन के अंदर ही प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट कर लेते हैं. अगर आपको न्यू फंक्शन क्रिएट करोगे देन इस केस में लोकल एरे का एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल नहीं. मींस इस केस में या तो आपको मैलॉक फंक्शन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए या फिर स्टैटिक. अगर आपको फंक्शन के फॉर्म में क्रिएट कराना चाहते हो देन इस केस में जस्ट यूज करो रिटर्न टाइप एज कैर स्टार, फंक्शन नेम एज रिक्वायर्ड क्या है, सम कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी. तो इसलिए मैं फंक्शन नेम यूज करूँ डेसिमल टू बिन. आर्गुमेंट में क्या, इनपुट्स में क्या रिक्वायर्ड है, जस्ट इंटीजर नंबर. और ये इंटीजर नंबर इटसेल्फ किस फॉर्मेट में, बाय डिफॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ
डेसिमल जनरली देखा जाए कन्वर्जन आपके लिए परफॉर्म करने के लिए कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी अवेलेबल, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू बाइनरी कन्वर्जन पॉसिबल फर्स्ट रिक्वायर्ड की। सबसे पहले आपको इनपुट्स में क्या रिक्वायर्ड है, नंबर। अगर आपके पास एक बार नंबर आ गया तो नंबर को एवरी टाइम डिवाइड किससे करेंगे, रिक्वायर्ड बेस से। यहाँ रिक्वायर्ड बेस क्या है, टू। देन वन मोर थिंग्स, इस केस में एक और आपको एरे क्रिएट करने की जरूरत होगी, क्योंकि जो भी रिमाइंडर पार्ट आएगा रिमाइंडर को एवरी टाइम स्टोर किसमें कराओगे, एरे में। और एरे के अंदर फर्स्ट रिमाइंडर, जो भी फर्स्ट रिमाइंडर आएगा किस इंडेक्स में आसान होगा, जीरो। नेक्स्ट रिमाइंडर किस इंडेक्स में आसान होगा, वन। नेक्स्ट रिमाइंडर टू। तो फाइंड अगेन एरे के रिस्पेक्ट में आपको इंडेक्सिंग मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इंडेक्स को मैनेज करने के लिए यूज क्या कर रहे हैं, इंटीजर इटरेटिव वेरिएबल आई। देन कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे का अगर टाइप डायरेक्टली ऑटो लोगे देन इस केस में, जब वो एरे मीन से ऑटो टाइप के कैरेक्टर एरे का एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल, देन इस केस में क्या आएगा, सम लॉजिकल मिस्टेक। इसलिए एरे का टाइप करना चाहिए शुड बी स्टैटिक, क्योंकि जब ये फंक्शन कॉल होगा फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश होने के बाद ऑटो एरे का एड्रेस जस्ट कैसा होगा, जस्ट डी एलोकेटेड। लेकिन स्टैटिक के केस में एलोकेशन कब तक रहेगा, जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चला, इसलिए एरे का टाइप क्या लेना होगा आपको, एज अ स्टैटिक कैर ए। इसे एरे में डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर हो, जस्ट बाइनरी, इसलिए मैं इसका नेम यूज कर रहा हूँ बिन। देन डेसिमल, अगर आप 16 बिट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो देन किसी भी डेसिमल नंबर के केस में मैक्सिमम डिजिट्स कितने पॉसिबल है, 16 अप टू 16। सपोज दैट आपने इंटीजर नंबर एंटर किया है 65535, इस केस में इसका बाइनरी क्या आएगा, 16 टाइम्स 1। पर मोर केस कन्वर्जन आपके लिए जस्ट शिफ्टिंग ऑपरेटर्स का यूज करके भी परफॉर्म करना पॉसिबल, लेकिन जस्ट मैं इस केस में इंप्लीमेंट क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, इसलिए मैं कोई शिफ्टिंग ऑपरेशन यूज नहीं कर रहा हूँ इस केस में, जस्ट डिवाइड बाई टू रूल्स को फॉलो करेंगे। देन मीन्स मैक्सिमम, आज के लिए मैक्सिमम डिजिट्स कितने रिक्वायर्ड है, 16, लेकिन लास्ट डिजिट आपको एक और एक्स्ट्रा केस किया स्टोर कराना होगा नल, इसलिए टोटल साइज यूज करेंगे अप टू 17। क्लियर। देन बाई डिफॉल्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करना, इसलिए रिमेनिंग प्लेसेस पर बाई डिफॉल्ट सभी प्लेस पर क्या स्टोर होगा, डिफॉल्ट वैल्यू है 00। देन एरे क्रिएट होने के बाद एवरी टाइम, इस केस में जस्ट एरे क्रिएट होगा विद 17। एरे के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने क्रिएट होंगे, 17 डिजिट्स लाइक दैट। जस्ट मैं इस केस में बिगिनिंग डिजिट्स आपको हाईलाइट कर रहा हूँ एंड सो ऑन। एरे नेम एज ए, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एरे क्रिएट होने के साथ साथ क्रिएट क्या हुआ, इटरेटिव वेरिएबल आई। नेक्स्ट टाइम रिक्वायर्ड क्या है, जो भी नंबर है नंबर को एवरी टाइम 2 से डिवाइड करो, लेकिन डिवीजन कब तक परफॉर्म हुआ, जब तक डिवीजन आपको 0 नहीं मिल जाता। क्लियर। देन इस एरे के अंदर एलिमेंट किस इंडेक्स पर असाइन करो, इंडेक्स को मैनेज करने के लिए इटरेटिव वैल्यू यूज किया आई, इसलिए इंडेक्स का इनिशियलाइजेशन किससे हुआ, 0 से। लूप कब तक चलाना है, जब तक नंबर 0 से बड़ा, मीन्स व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0। एवरी टाइम आई के रिस्पेक्ट में परफॉर्म किया हुआ इंक्रीमेंट, देयरफॉर वी आर यूजिंग आई प्लस प्लस। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट आप परफॉर्म क्या कराएंगे, सबसे पहले जो भी आपके पास एक्चुअल नंबर है नंबर को डिवाइड किससे कराएंगे, 2 से। नंबर इज मॉड्यूलो वाई 2, मॉड्यूलो वाई 2। सपोज सेट अगर मैंने नंबर 13 एंटर किया तो 13 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, 1। लेकिन 1 डायरेक्टली कैरेक्टर एरे में स्टोर कराओगे क्या, नहीं, क्योंकि इस केस में 1 के प्लेस पर स्टोर क्या कराएंगे, कैरेक्टर 1। इस डिजिट 1 को कैरेक्टर 1 में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट इसे ऐड क्या करा देंगे, आस्की वैल्यू ऑफ 0 विच इज 48। देन जो भी इसका रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट किस में असाइन कराओगे, इसे एरे के अंदर, एरे का नेम क्या है, ए, किस इंडेक्स में असाइन कराएंगे, करंट इंडेक्स ऑफ आई। मीन्स नंबर के केस में, इस केस में 13 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 1 प्लस 0, 0 मीन्स 48 क्या आएगा इस केस में, रिजल्ट इज 49। और 49 क्या है इस केस में, 49 इज आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर 1। तो इस केस में ए ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है, जस्ट इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग 0, तो ए ऑफ 0 में असाइन क्या हो जाएगा, कैरेक्टर 1। नेक्स्ट वन, 13 के बाद जस्ट 13 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया, 1, जो कि मैं ऑलरेडी एरे में स्टोर करा चुका हूँ, लेकिन इसका डिवीजन क्या आएगा, 6। नेक्स्ट आपको रिक्वायर्ड की, मीन फर्स्ट केस में जस्ट स्टोर क्या हुआ है, रिमाइंडर। नेक्स्ट टाइम डिवीजन भी रिक्वायर्ड है नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, इसलिए यूज क्या करोगे, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 2, क्या नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन किस लिए परफॉर्म कराएंगे, 6 के लिए। तो नंबर को 2 से डिवाइड करने पर नंबर का इनिशियल वैल्यू क्या पास किया, समथिंग 13, 2 से डिवाइड करने पर इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। देन अगेन कंट्रोल कहा जाएगा आई प्लस प्लस, आई बिकम्स 1,
अगेन नंबर का वैल्यू क्या 6, 6 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू, नंबर को 2 से डिवाइड करें, 6 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0, 0 प्लस आस्क वैल्यू ऑफ 0 अगेन क्या आएगा 48 मींस 0 इटसेल्फ, तो a ऑफ i, i का वैल्यू क्या 1, a ऑफ i में क्या सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट टाइम 0, देन अगेन नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 2 मींस नंबर का करंट वैल्यू क्या था 6, 6 को 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा 3, नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम 3, अगेन i प्लस प्लस i बिकम्स 2, क्लियर i बिकम्स 2, i का वैल्यू अगेन 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू, नंबर का वैल्यू क्या है 3, 3 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 1, 1 प्लस 48 और आस्क की वैल्यू ऑफ 0 क्या आएगा 49 व्हिच इज आस्क की वैल्यू ऑफ 1, आई का वैल्यू क्या है जस्ट 2, तो सेकंड इंडेक्स में आसानी क्या हो जाएगा अगेन 1, देन नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 2, नंबर क्या है 3, 3 को 2 से डिवाइड करने पर डिवीजन क्या आएगा 1, तो इस केस में नंबर में क्या आसान हो जाएगा नेक्स्ट टाइम वैल्यू कम्स 1, अगेन i प्लस प्लस तो i की वैल्यू क्या होगी इस केस में जस्ट 1, कंडीशन चेकिंग के केस में 1 के केस में चेक करो 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन इस केस में अगेन बॉडी पार्ट एक्ट ड्यू i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू क्या था जस्ट 2 के बाद 3, a ऑफ 3 में जस्ट आसान क्या है नंबर मॉड्यूलो बाय 2, नंबर का वैल्यू क्या है 1, 1 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा अगेन 1 प्लस आस्क की वैल्यू ऑफ 0, तो फाइनली क्या आएगा 49 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू आस्क की वैल्यू ऑफ 1, तो 1 का आस्क वैल्यू अगेन किस प्लेस पर आसान होगा इंडेक्स 3 इज अगेन 1, क्लियर, नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या होगा नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 2, नंबर का करंट वैल्यू क्या है 1, 1 को 2 से डिवाइड करने पर इंटीजर डिवीजन क्या आएगा 0.5, इंटीजर पार्ट क्या है इस केस में 0, रिजल्ट क्या आएगा ओनली 0 व्हिच इज असाइन टू द वेरिएबल नंबर, नाउ नंबर बिकम्स 0, अगेन i प्लस प्लस तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 4, देन नंबर के केस में करंट वैल्यू क्या है 0, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज फॉल्स, फॉर लूप का कंडीशन फॉल्स हो चुका है, प्लस आपके पास सारे रिमाइंडर बाइनरी रिमाइंडर्स तो अवेलेबल, लेकिन बाइनरी नंबर किसका कैलकुलेट किया 13 का, 13 का रियल केस में बाइनरी नंबर क्या होता है 1011, लेकिन आपके पास अवेलेबल क्या है 1101 मींस जस्ट बाइनरी नंबर रिवर्स ऑर्डर में, तो नेक्स्ट जो भी आपके पास बाइनरी नंबर अभी जस्ट आपने स्टोर किया एरे में जस्ट इसको रिवर्स कराने की रिक्वायरमेंट होगी, तो नेक्स्ट टाइम इसको रिवर्स करने के लिए रिवर्स करने से पहले लास्ट प्लेस पर स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए आसान क्या करना होगा नल कैरेक्टर, नल किस इंडेक्स में आसान करना डिपेंड करेगा करंट वैल्यू ऑफ आई, करंट वैल्यू क्या आएगा 4, लूप के जस्ट बाहर ए ऑफ आई में आसान क्या कराएंगे आस्की वैल्यू ऑफ नल, आई का वैल्यू क्या है 4, तो फोर्थ इंडेक्स में क्या आसान हो जाएगा जस्ट कैरेक्टर एस नल, क्लियर, नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद रिक्वायर्ड क्या है रिवर्स द गिवन स्ट्रिंग, इसे गिवन जो भी स्ट्रिंग है आपके पास 1011 इसको रिवर्स कराने की जरूरत होगी, तो रिवर्स कराने के लिए आप खुद से भी लॉजिक एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या फिर यूज क्या करो जस्ट लाइब्रेरी फंक्शन एस टी आर आर ई वी सप्लाई क्या करेंगे गिवन स्ट्रिंग ए, जैसे इसके ए पास होते हैं इसके डिजिट्स इमीडिएटली रिवर्स हो जाएंगे, इस प्लेस पर क्या आ जाएगा 1, इस प्लेस पर क्या आ जाएगा अगेन 1, ऑलरेडी प्रीवियस वैल्यू भी क्या था ऑल्सो 1, नेक्स्ट टाइम अगेन इस प्लेस पर क्या आएगा 1 एंड 0, क्लियर, देन फाइनली आपके पास अवेलेबल क्या गिवन एरे विद बाइनरी नंबर, देन इस फंक्शन से जस्ट रिटर्न क्या कराएंगे गिवन एरे का एड्रेस, तो रिटर्न कराने के लिए जस्ट यूज क्या करोगे रिटर्न ए इन इट्स कॉलिंग प्लेस, इस केस में अगेन इस केस में कंसोलिडेट करना है, इस केस में एरे का टाइप के लिए स्टैटिक रीजन, जब इस पर्टिकुलर फंक्शंस के थ्रू एरे का एड्रेस कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न हुआ, देन अगर आप इस केस में इसको ऑटो बनाते हो इन केस ऑफ डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास, देन इस केस में कंट्रोल बार सेंड होने से जस्ट पहले एरे ऑलरेडी डीएलोकेट हो जाएगा, देन डीएलोकेशन के केस में अगर इसका एड्रेस आपने किसी पॉइंटर में स्टोर कर दिया पॉइंटर लॉजिकली कैसा हो पॉइंटर बिकम्स डैंगलिंग, इसलिए मैं क्या कहता हूं ये एरे होल एग्जीक्यूशन तक आपके पास अवेलेबल रहे इसलिए इसका टाइप के लिए आएगा स्टैटिक, नेक्स्ट वन मेन फंक्शन के थ्रू टेस्ट करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे मेन रिक्वायर्ड क्या होगा इस केस में कैरेक्टर पॉइंटर, क्योंकि जब इस फंक्शन को कॉल कराओ तो इस फंक्शन से रिटर्न क्या हो रहा है कैर स्टार, और कैर स्टार का रियलिटी स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ कैरेक्टर पॉइंटर समथिंग बिन, देन इसके अलावा रिक्वायर्ड क्या है इंटीजर नंबर, जिस नंबर का आप बाइनरी नंबर कैलकुलेट करना चाहते हो देन कीबोर्ड से नंबर रीड कराओगे यूजिंग स्कैन ऐप और सम अदर फंक्शंस, स्कैन ऐप परसेंट डी नंबर, नंबर रीड करने के बाद देन आप जस्ट इस नंबर को कन्वर्ट किस फॉर्म में कराओगे इनटू बाइनरी, तो कन्वर्ट करने के लिए आपका फंक्शन क्या है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, लेकिन इसका रिटर्न क्या हुआ एड्रेस ऑफ
गिवन एरे, अगर इस एरे का एड्रेस 100 है तो कॉलिंग प्लेस रिटर्न क्या हो 100 इन इट्स कॉलिंग फंक्शन। देन कॉलिंग फंक्शन इस एड्रेस को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो पॉइंटर, ऑलरेडी मैंने पॉइंटर क्रिएट किया बिन। वन मोर थिंग्स, मैंने यहाँ मिस्टेक किया, इस केस में एरे का नेम क्या यूज़ किया है बिन, लेकिन सभी प्लेस पर एरे को रेफर किया मैंने ए के थ्रू, तो इसलिए इसका नेम यूज़ कर लेते हैं जो ए नॉट अ बिन। क्लियर, नेक्स्ट वन, देन बिन में आसानी के करा लेंगे बिन इक्वल्स टू डेसिमल टू बिन फंक्शन, सप्लाई क्या करेंगे गिवन इंटीजर नंबर, देन जस्ट डिस्प्ले करा सकते हैं यूजिंग मीन्स बिन क्या इस केस में स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को डायरेक्टली पुट्स फंक्शन के थ्रू भी डिस्प्ले कराना पॉसिबल है, तो जो भी बाइनरी नंबर हुआ आपके पास इक्वल बाइनरी नंबर डिस्प्ले हो जाएगा।